सो अभी हम लोग एक सेकंड बी रोल शूट कर रहे हैं जिसमें हम लोग को डेज पता नहीं करते क्वारंटीन में डेज कैसे वेस्ट हो रहा है या वेस्ट नहीं हो रहा है या प्रोडक्टिव भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है क्या चल रहा है दिन तो वो एक काइंड ऑफ छोटा सा बी रोल बना रहा है बताने का तो अभी हम लोग नोट डाउन कर रहे हैं कि शॉर्ट्स क्या क्या हो गए फिर अभी हम लोग ने लिखा है कि मंडे को ठीक है हम लोग कॉफी दिखा सकते हैं ट्यूजडे को बनाना अभी वेडनेसडे ये सब का दिखाने का फ्राइडे ला है ना फ्राइडे ला अपन मोबाइल ठो ठीक है मोबाइल कहते हैं वेडनेसडे ला बुक रीड करते ठीक है अपना लक्ष्य रहता है तो ऐसा शूट करना पड़ेगा अभी तो अभी हम लोग कल शूट करने वाले तो अभी देखते हैं कि कैसा शूट होने वाला है तो अभी ये दूसरा दिन है शूट डे करने वाला है हम लोग बाहर शूट कर रहे हैं तो ये डाइनिंग टेबल इधर शूट करने का तो इसको थोड़ा आगे लेके फिर बाद में उधर एक जन को खड़ा करके फिर बाद में वैसे शूट करके तो देखते हैं अभी कैसे आता है ओके तो फर्स्ट शॉट साठी आपल्याला काय पाहिजे कॉफी पहले कॉफी बनवायला लागेल आपल्याला आता हे खाली राउंड आहे ठीक आहे इकडे राउंड आहे ओके सो वी आर डन विद द फर्स्ट शॉट तो पहला शॉट जो मंडे वाला है वो अभी शूट हुआ है अच्छा सेकंड शॉट क्या होता सो अभी हाँ तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ तो इधर मैंने लाइट्स लगाया जो इधर थोड़ा सा ऐसा मतलब अभी ये शेडोज दिख रहा है तो थोड़ा सा ऐसा शेडोज आएगा इधर और ये नेचुरल लाइट है तो नेचुरल लाइट का भी लाइट आ रहा है इधर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है और मैंने ये लगाया है क्योंकि ये बोलते ना कि ये एक्ट करेगा कि हम लोग क्लोजिंग कर रहे हैं ओपनिंग कर रहे हैं शॉट तो उसके लिए फिर ये थोड़ा ऐसा थोड़ा हेल्प करेगा उसके लिए हम लोग ने टॉवल यूज़ किया और उसके लिए हम लोग ने ये बुक्स भी रखा ओके तो अभी हम लोग सोच रहे हैं कि सेकंड शॉट कैसे स्टार्ट होगा क्योंकि लास्ट शॉट हम लोग ने नीचे एंड किया था सेकंड शॉट में ट्यूजडे को हम लोग को ये दिखाने का पर ये उसके साथ मैच नहीं हो रहा अच्छे से तो हम लोग मतलब ऐसा ओपनिंग शॉट दिखा सकते हैं कैसे कुछ ओपन कर रहे हैं वैसा कुछ दिखा सकते अपना कहते हैं लिट वाला बुला के ओके तो अभी हम लोग ऐसा शूट कर रहे तो ये हम लोग ने लिया प्लेट तो जब भी तुम लोग को कोई भी शॉट्स अगर कट करने का है और ओपन करने का है तो अगर कोई शॉट ब्लैक बैकग्राउंड पे कट हो रहा है तो तुम लोग को ब्लैक बैकग्राउंड से ही ओपन करना पड़ेगा तो मतलब वो थोड़ा सा स्मूथ दिख रहा है तो इसके लिए मैंने अभी ये बुक रखा था और कैमरा इधर से जा रहा है और फिर हमें ये ब्लैक बैकग्राउंड पे खत्म हो रहा है एक ये टिप है कि कभी भी कोई भी बैकग्राउंड पे तुम लोग एंड करो तो वो बैकग्राउंड स्टार्ट करने का ट्राई करो मतलब थोड़ा सा ऐसा स्मूथ ट्रांजिशन दिखेगा मतलब पोस्ट में जब तुम लोग करोगे ओके सो इट इज ऑफिशियली रैप अभी हो गया है सब शूट और बीच में मेरा लाइट का भी बैटरी खत्म हो गया था ओके सो शूट करना भी इम्पॉर्टेंट है पर इक्वली इम्पॉर्टेंट तुम लोग का साउंड डिजाइनिंग और एडिटिंग तुम लोग कैसे करते हो वो भी इम्पॉर्टेंट है तो मैं ट्राई करूंगा तो मैं अभी जो नेक्स्ट सीक्वेंस में जो बताने वाला हूँ उसमें सिर्फ बिना म्यूजिक के तुम लोग साउंड डिजाइनिंग कैसे कर सकते हो तो मैंने कैसे साउंड डिजाइनिंग किया है तो साउंड डिजाइनिंग कितना इम्पॉर्टेंट होता है वीडियो एडिटिंग में भी तो वो एक बार तुम लोग देख लो कि विदाउट म्यूजिक कैसे साउंड करता है ठीक है
ये सेकेंड वीडियो है जो क्वारंटीन में बनाया है और मतलब लोगों को शो कर रहा है कि एज अ बिगिनर भी कैसे तुम लोग घर पे शूट कर सकते हो, छोटे वीडियोस हो सकते हैं वो, या ट्रांजिशंस के ऊपर. अभी ये ट्रांजिशन के ऊपर था, इसमें थोड़ा सा मीनिंग था कि कैसे तुम लोग मतलब कैसे दिन जा रहा है वो मैंने शो करने का ट्राई किया इसमें. एग्जैक्टली कैसे दिन जा रहा है वो नहीं ट्राई किया, मैं मोस्टली मतलब मेरा इंटेंशन ट्रांजिशंस और कैसे घर पे बना सकते वीडियो उसके ऊपर था, बट इसमें थोड़ा स्टोरी लाइन भी डाल दिया. तो अगर आपको पसंद आया रहेगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और नेक्स्ट टाइम और वीडियोज़ आएंगे तो वैसे फिर मैं और वीडियोज़ डालते जाऊँगा. ठीक है, तो स्टे ट्यून्ड.